आज हम बनाने वाले हैं शिज़ुका का ड्राइंग। तो सबसे पहले हम उसकी हेयर स्टाइल ऐसे जिग जैग ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद कान ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से ऐसा कर्व ऊपर से कर्व करते हैं। अब फेस ड्रॉ करने के लिए यहाँ से हम थोड़ा सा कर्व करते हुए नीचे चिन के साइड छोटा सा पार्ट आता है और कान से जॉइंट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम उसकी आँख बनाएंगे, गोल गोल दो सर्कल, उसके अंदर भी छोटे छोटे सर्कल, नोज़ और यहाँ पे उसकी माउथ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एक छोटा सा कान, उसके बाद नेक ड्रॉ कर लेते हैं और उसका शर्ट का कॉलर। तो इस टाइप से शोल्डर ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से उसका हैंड, तो बढ़िया सा कर होना चाहिए। और यहाँ पे उसकी पोनी ड्रॉ कर लेते हैं, तो यहाँ पे उसका जो टॉप है उसकी लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और शॉर्ट स्कर्ट बनाते हैं। दोनों साइड से सेम कर्व होना चाहिए, इसको हम जॉइंट कर देते हैं। दोनों हाथ सेम साइज़ में होना चाहिए, दोनों हाथ एक जैसे होना चाहिए और यहाँ पे हम उनके फिंगर ड्रॉ कर लेते हैं इस साइड से भी, या फिर उसके हाथ में और भी कुछ पर्स वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे हम उसकी लेग ड्रॉ करते हैं, तो तीन स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे हम उसके सॉक्स मोजे बनाते हैं और यहाँ पे उसके शूज़ सैंडल ड्रॉ करते हैं। तो ऐसा कर्व करना है दोनों साइड से बढ़िया सा, और पूरा ड्राइंग हो जाने के बाद इरेज कर लेना है हल्के हल्के हाथ से, क्योंकि यहाँ पर हम वाटर कलर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसकी हेयर स्टाइल में डार्क ब्राउन शेड करते हैं। यहाँ पे हम ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, नहीं तो डार्क ब्राउन शेड। वो हो जाने के बाद अब उसका जो टॉप है उसके अंदर हम पिंक कलर अच्छे से भर देते हैं। बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं। यदि कलर ज़्यादा हो जाए तो उसे टिश्यू पेपर से उठा सकते हैं। उसे अच्छे से ड्राई होने देते हैं, तब तक नीचे हम लेग में स्किन कलर कर लेते हैं। स्ट्रोक अच्छे से चलाना है, बहुत ज़्यादा दबा दबा के नहीं चलाना है। पेपर के रोहे भी बाहर नहीं आना चाहिए। तो फेस में भी सेम एज इट इज स्किन कलर कर लेते हैं। तो ऑरेंज कलर जो है उसी को एकदम लाइट शेड में भरा तो स्किन कलर हो जाता है। तो वाटर कलर में ऑरेंज कलर लाइट शेड यूज़ करेंगे तो स्किन कलर आ जाता है। यहाँ पे हम उसके रेड कलर के शूज़ बनाते हैं, तो थोड़ा सा डार्क शेड है तो यहाँ पे पानी कम है और कलर थोड़ा सा ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कलर भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं। वैसे ही इसका ब्लू स्कर्ट है, तो ब्लू स्कर्ट में अच्छे से कलरिंग कर लेते हैं, एजेस वगैरह ध्यान से कलरिंग करते हैं। फिर पूरा ड्राइंग हो जाएगा, उसके बाद हम बैकग्राउंड में भी कलरिंग कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड में हम मल्टी कलर यूज़ करने वाले हैं, जैसे येलो, ऑरेंज, पर्पल, इस टाइप से। जब ये पूरा ड्राइंग ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तब उसमें हम ब्लैक स्केच पेन जो हमारे पास होगा या फिर जो जेल पेन होगा उससे हम पूरे ड्राइंग को अच्छे से आउटलाइन कर लेंगे पूरा सूखने के बाद। और माउथ में हम यहाँ पे ब्राउन कलर कर देते हैं। तो ये सब ड्राई हो गया है, सूख गया है। यहाँ पे हम उसकी आँख बना ली, आईब्रोज बना लिया, उसके बाद सारी जगह पे अच्छे से आउटलाइन कर लेंगे। तो इस टाइप से हम आउटलाइन करते चलते हैं। यहाँ पे फिंगर की भी आउटलाइन कर लेते हैं, उसके हाथ की भी पूरा अच्छे से। और आउटलाइन हो जाने के बाद हम बैकग्राउंड में कुछ स्टार सर्कल ऐसा टाइप से भी कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं, तो जो कि थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। इस टाइप से हम एक अच्छा सुजुका का ड्राइंग बना सकते हैं। आपको ड्राइंग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।